जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी कोज करता है, जैसे कि जो अस्थमा इज कोज्ड बाय ड्यू टू हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयर वे ड्यू टू इरिटेंट या स्टिमुलाई। तो जैसे इरिटेंट या स्टिमुलाई क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि डर्ट या फिर कोल्ड एयर या कोई इन्फेक्शन, एक्सरसाइज या किसी ड्रग्स के कारण, ड्रग जैसे कि एस्पिरिन वगैरह के कारण या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण या फिर अदर और कोई फैक्टर्स होते हैं जो इरिटेट कोज करते हैं एयरवे के लिए। तो उस इरिटेट के कारण, उस एलर्जी के कारण जो एयरवे है वो हाइपर स्टिमुलेटेड हो जाता है और उसके कारण इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है। तो जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होगा और साथ साथ में म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन भी होता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। और ये रिवर्सिबल एक एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन होती है अस्थमा। तो मेनली प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है, क्योंकि जो फंडस और जो यूटेराइन फंडस है वो अगर उसमें फीटस का भी डेवलपमेंट होता है और यूट्रस भी साइज इंक्रीज होने के कारण जो यूट्रस का फंडस है वो डायफ्राम पे प्रेशर डालता है और डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो उसकी वजह से क्या है, लंग्स पे भी प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है वुमेन को। और कुछ अमाउंट में उसको ब्रीथलेसनेस भी फील होता है। और अब इसके देखते हैं इंसिडेंस रेट क्या होती है। इसकी इंसिडेंस रेट और प्रेगनेंट वुमेन में 8 से 10% होती है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके, क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं जैसे कि डिस्निया की कंडीशन होती है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगा या फिर कफ होगा या फिर वीजिंग होगा। वीजिंग जैसे मतलब ब्रीथिंग के टाइम पे सीटी जैसी आवाज़ आना वीजिंग कहलाता है। तो वीजिंग सुनाई देगी या फिर चेस्ट टाइटनेस होगी या फिर जो एसेसरी मसल्स का है उनका ओवर यूज करना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन या फिर टेकिकार्डिया भी देखने को मिलता है अस्थमा की प्रॉब्लम में। तो टेकिकार्डिया के कारण क्या होगा कि जो फीटस में ओटो और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से फीटस में भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इसके इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो लंग्स फंक्शन टेस्ट करेंगे ड्यूरिंग अटैक ऑफ अस्थमा। तो लंग्स फंक्शन टेस्ट में क्या क्या देखते हैं, प्रेगनेंसी का अस्थमा पे क्या इफेक्ट होता है।
वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग वूमेंस में अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। किसी में अस्थमा में प्रोग्रेस हो जाती है और किसी में थोड़ा वो अस्थमा इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है। तो क्या होता है कि जो 30% वुमेंस हैं उनमें जो कोर्स ऑफ अस्थमा है उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, और जो 35% वुमेंस हैं उनमें अस्थमा की वर्सनिंग कंडीशन हो जाती है, ज़्यादा सीवियर हो जाएगा अस्थमा, और जो 28% वुमेन हैं उनमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और 4% वुमेंस में अनचेंज, मतलब वो भी किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। और अब देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ अस्थमा ऑन प्रेगनेंसी फिर कॉम्प्लिकेशन। तो प्रेगनेंसी पे क्या क्या इफेक्ट करता है अस्थमा, जैसे कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ प्रीटर्म लेबर, तो प्रीटर्म लेबर के इंसिडेंस को भी इंक्रीज करता है अस्थमा, और प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेगा या फिर प्री एक्लेम्सिया या IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर नियोनेटल हाइपोक्सिया की कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन क्यों होगी, क्योंकि फीटस को सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है इस वजह से। और उसके बाद मेटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, मेटरनल कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि न्यूमोथोरिक्स देखने को मिल सकता है, मतलब एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी, और कोर पर्मोनली भी देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल्स हैं उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन में अल्ट्रेशन होना कोर पर्मोनली कहलाता है, और इसके अलावा कार्डियक अरिथमिया और रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी कंडीशन भी इसमें हो सकती है। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करते हैं ना उस प्रेग्नेंट वूमेन की। उसमें क्या होता है कि उसको बता दें जो ओवरऑल जो रिस्क होता है अस्थमा के कारण फीटस में वो 4% होता है, ठीक है, मतलब ओवरऑल जो अगर फीटस में अगर अस्थमा होने के चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट वूमेन से तो 4% हो सकते हैं, और अगर वन पेरेंट को मदर या फादर किसी में से एक को अस्थमा है तो उस बच्चे को अस्थमा होने के चांसेस 8-16% तक बढ़ जाते हैं, और अगर दोनों पेरेंट्स में अस्थमा है तो फिर उस बच्चे को 30% तक चांसेस बढ़ जाते हैं अस्थमा होने के, या फिर दोनों पेरेंट्स को एलर्जी हो तो उस वजह से भी चांसेस इंक्रीज होते हैं अस्थमा के। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका, जो एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, जो कि प्रेगनेंसी में या फिर लैक्टेशन में सेफ होती है एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन, जिसके कारण हम प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं अस्थमा का। उसके बाद प्रेगनेंसी में क्या करते हैं ट्रीटमेंट इसका, तो प्रेगनेंसी में जो क्रॉनिक अस्थमा है उसके लिए स्टेप थेरेपी का यूज करते हैं। तो इनका भी इन्हेलेशन उसको दे
देते हैं बीटर टू एगोनिस्ट के साथ में, तो इनको कैसे देते हैं, इनके इनका तो 4 कप देते हैं 4 times in a day, ठीक है। और इसके साथ साथ में थियोफाइलिन भी हम दे सकते हैं नॉक्टुर्नल अस्थमा, मतलब नाइट के टाइम पे जो अस्थमा होता है उसके लिए थियोफाइलिन भी देते हैं। उसको हम देखते हैं सीवियर अस्थमा, सीवियर अस्थमा में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सीवियर अस्थमा में हाई डोज इनहेल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, ठीक है, और इसके साथ में ओरल स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया क्रॉनिक अस्थमा ट्रीटमेंट। और एक्यूट अस्थमा अटैक में हम कैसे मैनेज करेंगे, तो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या करेंगे, ऑटो इन्हेलेशन दे सकते हैं और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं विद फेस मास्क या फिर, और उसके साथ साथ सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट ड्रग दे सकते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं या फिर टर्बुटालिन देते हैं 25 microgram जी सब क्यूब देते हैं इसको एवरी 15 to 20 minutes, तो 3 dose मतलब इसकी 3 dose दे सकते हैं हर 15 to 20 minutes में। उसके बाद में बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं इसके लिए, तो इसमें क्या बीटा टू एगोनिस्ट में जैसे साल्बुटामोल वगैरह है वो देते हैं विद नेबुलाइजर, तो नेबुलाइजर के साथ में विद यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करके नेबुलाइजर के साथ में बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं। और उसके बाद में आई वी हाइड्रेशन देते हैं, मतलब आई वी फ्लूइड इसमें स्टार्ट करते हैं, मतलब हाइड्रेट रहना चाहिए पेशेंट। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैसे देंगे, तो आई वी हाइड्रोकॉर्टिजोन देते हैं इसमें 100 mg, नो हाइड्रोकॉर्टिजोन पहले 200 mg स्टेट देते हैं, ठीक है, और उसको वापस रिपीट करते हैं 4 hours में। उसके बाद में अगर अगर ज़रूरत पड़े तो मैकेनिकल वेंटिलेटर का भी यूज कर सकते हैं, तो मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ क्यों करते हैं, फॉर अवॉइड हाइपोक्सिया एंड CO2 रिटेंशन इन ब्लड। अब देखते हैं कि लेबर में क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे ड्यूरिंग लेबर, तो पहले सबसे पहले जो कंडीशन है उसका क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज कितनी है, कितनी सीवियर है कंडीशन, और उसके बाद में जो उसकी पहले मेडिसिन चल रही है प्रेगनेंसी के टाइम में अस्थमा की, जो भी इन्हेलेशन या फिर जो ओरल जो मेडिसिन चल रही है वो कंटिन्यू रखेंगे, और क्या क्या करेंगे, और लेबर के साथ में जो ओपियोइड एनाल्जेसिक हैं उनको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ओपियोइड एनाल्जेसिक ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को कोज करता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करता है। और क्या करते हैं, मेटरनल ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और हाइड्रोकॉर्टिजोन 100 mg देंगे लेबर, तो इसमें हाइड्रोकॉर्टिजोन आई वी एवरी 8 hourly इसमें देते हैं। और क्या करते हैं, जो स्टेरॉइड है वो इनहेलर के रूप में भी देते हैं प्रिवेंट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर जो ब्रोंकस का हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है एलर्जी के कारण उसके लिए भी हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 है उनको वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसको जो अस्थमा को अस्थमा की कंडीशन है उनको बढ़ाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सेफ फॉर यूज लोकली, अगर लोकली दिया जाए तो ये सेफ है, ठीक है। और उसके बाद में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम दे सकते हैं, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है वो सेफ होता है ड्यूरिंग लेबर, तो जो और उसके बाद में जनरल एनेस्थीसिया हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया के कारण अस्थमा में एटेलेक्टेसिस की कंडीशन हो सकती है या फिर चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में जो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है उस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो और जो लंग्स का है वो लंग्स कोलेप्स भी हो सकते हैं, कम्प्लीटली हो सकते हैं या फिर पार्शियल कोलेप्स हो सकते हैं, ठीक है।
और जो एर्गोमेटिलिन है उसका यूज़ भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो भी ब्रोंको स्पाज करता है। ऑक्सीटोसिन सेफ होता है, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर एंड प्रिवेंट PPH। और ABG करेंगे, ABG लेंगे हम लेबर के टाइम पे भी फॉर एनालिसिस ऑफ मेटा एसिड बेस बैलेंस एंड O2 इन ब्लड एंड वेंटिलेशन, ठीक है। और थियोफाइलिन यूज करेंगे नॉक्टुरनल अस्थमा के लिए। और अब क्या पोस्ट नेटली हम क्या क्या केयर करेंगे पेशेंट की, पोस्ट नेटली में फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि फिजियोथेरेपी से अस्थमा में बहुत रिलीफ मिलता है, फिजियोथेरेपी और ड्रग्स कंटिन्यू रखेंगे पोस्ट नेटली भी, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंकरेज करेंगे, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चे को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करी जाए तो बच्चे में जो एलर्जिक की प्रॉब्लम हो सकती है उनसे बच्चे को प्रिवेंट किया जा सकता है। और उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्शन क्या क्या दे सकते हैं मास्टिपेटेड पेशेंट को, कॉन्ट्रासेप्शन में जैसे बेरियर मेथड सेफ मेथड होता है, सेफ एंड इफेक्टिव मेथड बेरियर मेथड एंड ओरल पिल्स दे सकते हैं, IUCD भी लगा सकते हैं। और अगर फैमिली कंप्लीट है तो हस्बैंड की वैसेक्टोमी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं हस्बैंड को।